बीएसपी से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद ने एक तरफ मायावती की तारीफ की तो दूसरी तरफ उन्होंने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी 5 करोड़ देने की मांग कर रही थी। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। मैं छोटा सा काश्तकार हूं, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं। 10 महीने पहले बीएसपी में शामिल हुए इमरान पर कई आरोप लगाए गए हैं। बीएसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में इमरान मसूद पर पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप भी लगाया गया है। इमरान मसूद पूर्व केंद्रीय मंत्री राशिद मसूद के भतीजे हैं। हारनपुर की मुजफ्फराबाद सीट से वो 2007 में विधायक रह चुके हैं। साल 2014 और 2019 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए, मगर अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं दिया। इसके बाद नगर निकाय चुनाव से पहले 19 अक्टूबर 2022 को वो बीएसपी में शामिल हुए थे। इमरान मसूद सहारनपुर जिले से आते हैं, जिनकी मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है।